man. Please go back and please help. Please go back. Bhupendra Yadav is speaking. Your party man speaking. मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस बजट भाषण पर मेरी पार्टी की तरफ से मुझको ये लिखने का अवसर दिया है. सम्मान्य उपसभापति महोदय, बजट में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब हम राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते समय श्रीराम जो सबसे बड़ा लिसन टू हिम सरकार के समय में हमारा एक आरोप रहा है कि यूपीए सरकार में ना केवल पॉलिसी पैरालिसिस रहा था, बल्कि संवैधानिक संस्थानों का एक बुरी तरीके से दुरुपयोग भी किया गया था. माननीय चिदंबरम जी ने अभी अपना विषय रखा, वो एक कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता रहे हैं और यूपीए के शासनकाल में देश के गृह मंत्री भी रहे हैं. पर मैं अपने विषय को शुरू करने से पहले श्री चिदंबरम जी से ये पूछना चाहूंगा कि आज पायनियर समाचार पत्र में और देश के समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि सीबीआई की रेड के दौरान आपके आवास में वो डॉक्यूमेंट पाए गए जो डॉक्यूमेंट सीबीआई के पास होने चाहिए. इसको कम से कम बताने का प्रयास किया जाए क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन का विषय है. ये एक विषय है जो ये बताता है कि दस साल के वन पॉइंट ऑफ ऑर्डर 10 साल के यूपीए के शासनकाल में आनंद जी जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं पायनियर का जो समाचार पत्र है मैं उसको कोट कर रहा हूँ. मैं फ्रंट पेज का जो समाचार है, 8 फरवरी का जो समाचार पत्र है, और मैं इसको रिकॉर्ड पे रखने को तैयार हूँ. और मेरा जो विषय है वो विषय एक इंस्टीट्यूशन को लेकर के विषय है, वो विषय सीबीआई को, वो विषय सीबीआई का विषय है. क्लासिफाइड स्कैम रिपोर्ट चीज फ्रॉम, इसलिए ये जो विषय है ये विषय ऐसा है जो बताता है कि 10 साल के यूपीए के शासनकाल में इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है. महोदय, हम लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है, हम लोकतंत्र से चुनकर के आए हैं. हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो 10 साल के शासनकाल में यूपीए ने जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं में अपने मॉल खड़े करे और मॉल को खड़े करके आज देश में एक प्रशासनिक व्यवस्था में जिस प्रकार सीबीआई ने दीमक की तरह एक रोक लगाया है, मैं पढ़ना चाहूंगा ए कॉपी ऑफ क्लासिफाइड सीबीआई रिपोर्ट फॉर सबमिशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन एयरसेल मार्क्सिस्ट स्कैम वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एंड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ड्यूरिंग इट्स रीसेंट रेड ऑन हिज जोरबाग रेजिडेंस इन दिल्ली. उसके बाद मैं कहना चाहूंगा द सेंसेशनल रिकवरी ऑफ डॉक्यूमेंट हैज शॉक द सीबीआई विच हैज स्टार्टेड एन इंटरनल प्रोब टू ट्रैक द मोल्स विद इन. सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ये बताए कि जो कि वो कम से कम ये बताए कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका किस प्रकार से आपने दुरुपयोग किया. कांग्रेस के साथ सबसे बड़े दिक्कत का विषय यह है कि पिछले 4 साल में अपने विकास की गति पर जो भारत आया है, क्या भारत को विकास की गति पर आने का आपको संतोष नहीं है? माननीय चिदंबरम जी ने बार बार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट का हवाला दिया, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इनडायरेक्ट टैक्स में करदाताओं में 50% की वृद्धि हुई है. ये सरकार है जिसके कारण आज जो डायरेक्ट टैक्स देते थे उनकी संख्या 6.47 करोड़ से बढ़कर के 8.27 करोड़ हुई है. और ये इस कारण से हुई है कि
कि देश में एक ईमानदार सरकार आई है और ईमानदारी से कर देने वालों ने सरकार का साथ देने का फैसला किया है। हम एक ईमानदारी से सरकार को चलाने के लिए आगे बढ़े हैं। अगर आर्थिक सर्वेक्षण को आप पढ़ेंगे तो उसी आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा हुआ है कि देश 4 दशक तक एक संकुचित दायरे के समाजवाद में रहा। 1991 में आप एक खुली अर्थव्यवस्था तो लेकर के आए, लेकिन उस खुली अर्थव्यवस्था में समता के अभाव में पूंजीवाद को लेकर के आए, और इस प्रकार से आपने जो व्यवस्था की रचना करी उसमें देश बजाय आगे जाने के रसातल की ओर गया है। महोदय, देश चलाने के लिए सब राजनीतिक दलों के अपने अपने विचार होते हैं, और राजनीतिक विचार को के कारण ही महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हिंदुस्तान को बनाते समय जो आंदोलन है वो आंदोलन समाप्त होना चाहिए, देश में नए राजनीतिक दलों के विचार आने चाहिए। और आजादी में जो नेता लगे थे, बाबा साहब अंबेडकर रहे थे, कोई कांग्रेस के साथ नहीं गए, राम मनोहर लोहिया रहे थे, कोई कांग्रेस के साथ नहीं गए, राजा जी थे, कोई कांग्रेस के साथ नहीं गए, अकालियों के लोग थे, वो कोई कांग्रेस के साथ नहीं गए। स्वराज पार्टी का निर्माण किया था, अलग से स्वराज पार्टी बनाई थी, सबने अपने अपने राजनीतिक दल बनाए, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद विचार पे कम काम करना शुरू करा और व्यवहार पे ज्यादा काम करना शुरू करा। और किस प्रकार से आप लोगों ने काम करना शुरू करा, कांग्रेस के शासनकाल में राहत इंदौरी ने एक चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता लेकिन इफ्तारी समझता है। आपको जब मौका मिला आपने टोपियां पहनी, और आज आपको लगने लगा है तो आप अपने कोट के ऊपर जनेऊ भी पहनने लगे हो। आप ना हिंदू के हो ना मुसलमान के हो, आप केवल एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी के रूप में आपने देश में काम किया है। और इसलिए महोदय मैं ये कहना चाहूंगा, आप हमें फिजिकल डेफिसिट की बात कह रहे थे, यूपीए के शासनकाल को आप देखिए, 2009-2010 आपने एस्टिमेट किया था 6.8, ये रहा 6.4%, 2011-2012 4.9%, 2012-2013 5.7%, और हमारे शासनकाल में 2015-2016 3.9%, 2016-2017 3.5%। देश के फिजिकल डिसिप्लिन को बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, एफआरपीएफ हम लेकर के आए। आज जब हम वित्तीय अनुशासन को रोकने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं से लड़ते हुए इसको आगे बढ़ करके देश के एक आर्थिक अनुशासन पे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप कम से कम, मैं इतना कहना चाहूंगा, किसी ने कहा है जब भी किसी से कोई गिला रखना सामने अपने आईना रखना, कांग्रेस को अपना समय और अपना शासन देखना चाहिए, उसके बाद कम से कम कोई बात कहनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा सामान्य सभापति महोदय कि देश में जीएसटी आया, सारे राजनीतिक दल लेकर के आए, लेकिन जब सारे राजनीतिक दल जीएसटी को लेकर के आ रहे थे उस समय कांग्रेस ने क्या कहा, और जब देश में एक नया आर्थिक कानून आया तो कांग्रेस ने कहा डिफेंडिंग इट्स डिसीजन टू स्कीप पार्लियामेंट स्पेशल मिडनाइट सेशन टुडे अहेड ऑफ द लॉन्च ऑफ द लैंडमार्क गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द कांग्रेस टुडे कॉल्ड इट एट द इंसर्ट ऑफ 1947 एंड कॉल्ड इट एन आइडियोलॉजिकल बायकॉट। मेरे को आप बताइए कि देश में जीएसटी आ रहा है, देश में 17 किस्म के इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो रहे हैं, देश के गरीब को फायदा हो रहा है, क्या देश के गरीब को फायदा होना इसको कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है, क्या इसके कारण आपने जीएसटी का बायकॉट किया? और इसलिए हमारी सरकार ने चुनौतियों का सामना किया है और भारत आज विकास के दौर से आगे आया है। प्लीज, 3 साल की सरकार के शासनकाल में जो बड़ा काम इस सरकार का था और जिसको करने का काम किया है, मेंटेनिंग द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, भारत की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से स्थायित्व देने का काम, श्री चिदम्बरम जी ने बहुत सारे विषय कहे और बहुत सारे विषय का ये सरकार पूरे नहीं कर पाई, लेकिन मैं 2014 से लेकर के अब तक के उन सारे विषयों को कहना चाहूंगा जो देश के वित्त मंत्री ने रखे और देश को आर्थिक स्थायित्व देने के लिए पूरा किया। सबसे पहले माननीय वित्तमंत्री ने कहा कि हम जीएसटी को लेकर के आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया और जीएसटी को लेकर के 4 जो कानून है वो भी देश के संसद के द्वारा पास किए गए। उसके बाद हमने कहा कि हम लेबर में अप्रेंटिसशिप एक्ट को लेकर के आएंगे, बजट में हमने कहा उसको हमने पास कराया। उसके बाद हमने कहा कि हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो इंश्योरेंस कंपनीज है
उसकी कैप को 26 से 49% इंक्रीज करेंगे। बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, उसको हमने पास कराया। उसके बाद हमने कहा कि देश के पूंजीगत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्टेबिलिटी के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड लेकर के आएंगे। उसको ना केवल हमने कहा, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसको पास कराया। उसके बाद हमने कहा कि हम एक बिल कमर्शियल डिस्प्यूट देश में एक आर्थिक स्थायित्व देने के लिए कहा जा रहा था कि कमर्शियल डिस्प्यूट को दूर करने के लिए इसके लिए कानून लेकर के आए, कानून सरकार लेकर के आई और उसको हम लोगों ने पास कराया। उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए, जरा आप सुन लीजिए कि जो आप गवर्नेंस का विषय कहते हैं, आपके गवर्नेंस को आप लोगों ने सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो राज भी बेनामी करते थे। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में जो चैप्टर लिखा गया वो चैप्टर एथिक्स इन गवर्नेंस, और वीरप्पा मोइली के चेयरमैन थे। मैं उस रिपोर्ट का पैरा 3.5 कोट करना चाहूंगा। अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 18 ईयर रूल्स हैव नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 विद द रिजल्ट दैट द गवर्नमेंट इज नॉट इन पोजिशन to confiscate properties acquired by the real owner in the name of his benamidar. ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये वीरप्पा मोइली की सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने एथिक्स इन गवर्नेंस में कहा था कि सरकार पूरी तरीके से बेनामी की प्रॉपर्टी को जब्त करने में विफल रही। इस प्रकार का राज आपने चलाया, लेकिन हमने बजट में आने के बाद जब माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, उस बिल को पास कराया। टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट, आधार का कानून ये सरकार लेकर के आई, उस कानून को भी इस सरकार के द्वारा पास कराया गया। उसके बाद सरफेसी एक्ट, ये भी एक बहुत देश में मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के कानून था, माननीय वित्त मंत्री जी बजट के अंदर लेकर के आए और उसको भी पास कराया। कंपनीज एक्ट 2013, आप जो कंपनीज एक्ट बना के गए थे वो एक डिफेक्टिव कंपनीज एक्ट बना करके गए थे। आपके कंपनीज एक्ट जो आप बना के गए थे उससे ना केवल देश के कंपनीज को नुकसान हुआ, एक लंबे समय में इन्वेस्टमेंट वाला भी घबराने लगा। कंपनीज एक्ट की जो डिफिकल्टीज थी उसको रिमूव करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट में लेकर के आए, उसको पास कराया गया। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में एंश्योर द पेज ऑफ डिसऑनर्ड चेक आर एबल टू रिलीज पेमेंट, ये माननीय वित्त मंत्री जी लेकर के आए, उस बिल को भी पास कराया गया। और उसके बाद देश में जो मॉडल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सर्कुलेट करने का था, उसको भी सभी राज्यों को सर्कुलेट किया गया। इस सरकार ने देश के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर पूरे देश का विकास करने के लिए जिस प्रकार के कानूनों के परिवर्तन की आवश्यकता थी, उसको पूरा करने का काम किया। दूसरी साथ इस देश में आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए फाइनेंस के कमेटी की रिपोर्ट दी गई और कहा गया कि देश में अगर हमको एक अच्छी व्यवस्था को बनाना है तो कम से कम जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उस रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आरबीआई को की गई। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी का जो एक्ट है 1934, वो हमारी सरकार मॉनेटरी पॉलिसी के विषय को लेकर के आई। पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी की बात हुई, उसके प्रोविजन के लिए सरकार ने काम किया। फाइनेंशियल रिड्रेस एजेंसी की बात हुई, वो ड्राफ्ट भी बना के रिलीज किया गया। फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट सेंटर की बात हुई, उसके डाटा को बना करके किया गया। देश में एक लंबे समय से जो पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा था, उस पॉलिसी पैरालिसिस के लिए एक सरकार की आवश्यकता थी कि फाइनेंशियल साइड में इस प्रकार के नए कानूनों को ला करके देश में एक नया कानूनी ऐसा ढांचा खड़ा किया जाए जिसके कारण हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है फाइनेंस में वो कम से कम खड़ा हो, उसको बनाने का सरकार ने काम किया। और जब हम आज एक ओपन बाजार की तरफ जा रहे हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेजोल्यूशन, रिस्क रेगुलेशन, रेगुलेटरी आर्किटेक्चर और गवर्नेंस, इस विषय पे जितना विषय पिछले बजट में 2014 से लेकर अब तक सरकार ने रखे, उन सब विषयों को हम लोगों ने सरकार ने पूरा किया। इस देश में अभी मुद्रास्फीति और महंगाई की बात की गई, एक लंबे समय तक महंगाई को लेकर के लोग त्रस्त रहे, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं लाया गया। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए न केवल उन्होंने फंड का निर्माण किया, पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई का जो इन्फ्लेशन था उसके इंडेक्स को काबू रखने में कामयाब रही, जो 10 साल में आप कभी नहीं कर पाए। और राजकोषीय सुधार के साथ साथ मौद्रिक नीति को बना करके 90 के दशक से जो शुरू हुए आर्थिक सुधार है उसमें जो व्यापक पारदर्शिता की व्यवस्था थी उसको दूर करने का काम किया। महोदय, हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य में ये सरकार किस प्रकार से काम करती है और अपने फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने लाचारी दिखाई परंतु परिवर्तन नहीं किया, और 1970 के दशक से जो चली आई हुई सब्सिडी की जो एक सब्सिडी का जो एक दौर शुरू हुआ था उसमें जो बैड सब्सिडी और गुड सब्सिडी था उसके अंतर को इस सरकार ने कम किया। सब्सिडी में इस देश में एक लंबे समय तक जिस प्रकार से एक रिसाव होता रहा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री इस बात में लाचारी करते रहे कि देश में जो सब्सिडी है और जो भ्रष्टाचार है उस सब्सिडी और भ्रष्टाचार के तंत्र को क्या मजबूरी थी कि उसको रोका नहीं गया। यूपीए सरकार के दौर में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ा, यूपीए के दौर में टैक्स बेस नहीं बढ़ा, यूपीए के दौर में कैश ट्रांसफर पर पाबंदी लगी, लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद बजट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कल्याणकारी सरकार के रूप में काम किया। यही कारण है कि देश के गरीब आदमी को, देश के छोटे आदमी को देश की आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए, इकोनॉमिक इंक्लूजन करने के लिए एक छोटे समय के अंदर 31 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल करके इस देश में इकोनॉमिक इंक्लूजन का काम किया गया। इस देश ने, इस सरकार ने एक छोटे समय में अपने लक्ष्यों को पूरा किया। यही कारण था कि हमने लक्ष्य तय किया था कि हम 5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के माध्यम से लाभ पहुंचाएंगे। आज उस लक्ष्य को हम पूरा करने जा रहे हैं और अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया है। 5 साल के शासन काल में बहुत कम ऐसा हुआ है कि 5 करोड़ गरीबों को तो उज्ज्वला का लाभ मिला ही मिला है, हमने लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ किया है और उसको भी हम पूरा करेंगे। देश में जब ये सरकार आई तो आर्थिक प्रबंधन के द्वारा 18,000 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं थी। हम उस लक्ष्य को न केवल पूरा करने जा रहे हैं बल्कि अब सौभाग्य योजना के माध्यम से 4 करोड़ गरीबों के घर में मुफ्त बिजली के कनेक्शन देने का कल्याणकारी राज्य सरकार के रूप में ये काम करने जा रही है। आज सरकार आने के बाद 6 करोड़ शौचालयों से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले 2 वर्ष में 1 करोड़ आवास का जो लक्ष्य किया गया है निश्चित रूप से कल्याणकारी सरकार के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। आप कहते हैं कि देश में पूंजी के स्वरोजगार की दृष्टि से कम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी राशि को बढ़ा करके 75,000 करोड़ रुपया किया गया है, और इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को देना चाहूंगा कि कल्याणकारी राज्य सरकार के रूप में 321 करोड़ मानव दिवस का रोजगार, 3.17 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़क, 51 लाख ग्रामीण मकान, 1.88 करोड़ शौचालय, 1.7 करोड़ के बिजली कनेक्शन, प्लीज गो बैक टू योर सीट, ये देने का काम इस सरकार ने किया है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्होंने जो भी लक्ष्य तय किए लक्ष्य जो है उन्होंने कभी पूरे किए नहीं, और इसलिए आज देश में जो हवा कांग्रेस के खिलाफ है मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवाओं से होती है। हवा आपके खिलाफ जानी है क्योंकि आपने कोई शासन करने में किसी प्रकार से काम नहीं किया। महोदय, ये देश ग्रामीण भारत और एक गांव का देश है। हमारी सरकार गांव के और इस देश के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि यही एक सरकार है जो शुद्ध रूप से किसानों की सरकार बन के आई है। हमारी सरकार गांव की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले संकल्प में कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए, ये सरकार किसानों के लिए, ये सरकार महिलाओं के लिए, ये सरकार दलितों के लिए, ये सरकार ओबीसी के लिए, ये सरकार इस देश के हर नौजवान के सपने के लिए समर्पित सरकार है। और आजादी के बाद यही कारण है, मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहूंगा, जो भी नेता किसान नेता थे वो सब कांग्रेस को छोड़ के गए। ये परंपरा चौधरी चरण सिंह से शुरू होती है, ये परंपरा चौधरी देवीलाल से शुरू होती है। कोई एक ऐसा किसान नेता बताओ जो कांग्रेस में टिक सका हो, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां हमेशा से किसान और गरीब के विरोधी रही है। आजादी के बाद अगर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू करने का काम था तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू करी। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के गांव को 50 साल तक सड़क का इंतजार करना पड़ा,
जो सरकार 50 साल तक गांव को सड़क नहीं दे पाई, उस पार्टी को भविष्य में भी इस देश में चलाने सरकार चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो तीसरा भाग है, जिसके कारण सारे लिंक रोड, जिसके कारण सारे स्कूल, जिसके कारण जो छोटे छोटे लोगों को अस्पताल से जुड़ने वाली सुविधाएं हैं, उन लिंक रोड को जोड़ने का काम किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगा कि इस बार उन्होंने इसको मनरेगा से जोड़ा है। ये ग्रामीण श्रम और इसको जोड़कर देश के गांव को आगे बढ़ाने वाली बात हमने करी है। दूसरी बात, एमएसपी का विषय आया है। एमएसपी के विषय में मैं एक विषय ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस के सब लोग बहुत ज्यादा एमएसपी की बात करते हैं, लेकिन मैं रिजर्व बैंक का एक डाटा आपके सामने देना चाहूंगा कि इस देश में कृषि क्षेत्र में अगर सबसे कम ऋण मिलता है तो वो 2005 में जब इनकी सरकार आनी शुरू हुई है तब सबसे कम ऋण मिला है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर ऋण दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री जी के समय में 11 लाख करोड़ रुपया सबसे ज्यादा कृषि ऋण देने का काम किया है, तो हमारी सरकार के अंतर्गत किया गया है। महोदय, मैं कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के दो आर्टिकल पढ़ रहा था। प्लीज अलाउ अदर मेंबर्स टू लिसन, सामने भी रखना चाहूंगा। प्लीज अलाउ अदर मेंबर्स टू लिसन। वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो किसान भूमि वाला किसान है उसको तो ऋण की उपलब्धता है, जिस किसान के पास भूमि नहीं है उसको ऋण की उपलब्धता नहीं है। ये जो आंकड़ा जो देखा गया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में और जो दो आंकड़े देखे गए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आंकड़ों का उदाहरण देकर के कहा गया कि जितने किसानों ने सुसाइड किया है उसमें 54% किसान वो किसान है जो भूमिहीन किसान है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार बजट में अगर भूमिहीन किसान को ऋण देने की व्यवस्था और उसकी बात अगर की गई है तो माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने इस बजट में अंदर करी है। और इसलिए किसानों की जो असली मर्ज है, जो भूमिहीन किसानों की समस्या है, उसको पूरा करने का काम इस सरकार ने किया है। अक्सर ये कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो कृषि का जो सामान है उसको बेचने के लिए उचित बाजार की व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार को यह बधाई देना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 22,000 ग्रामीण हाट उनको खोल करके और 22,000 ग्रामीण हाट में मनरेगा के द्वारा भी उसके आधारभूत ढांचे को खड़ा करके कृषि बाजार को अगर मजबूत करने की व्यवस्था है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार की गई है। देश में कृषि का जो उत्पादन है उसमें कृषि के उत्पादन के साथ साथ बागवानी के विषय को, फूड प्रोसेसिंग के विषय को, ऑपरेशन ग्रीन्स के माध्यम से टमाटर और आलू जैसे विषय की जो फसल जो उपज सड़ जाया करती थी उसको, डेयरी को, उन सारे विषयों को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। महोदय, जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो कितना लंबा एक क्षेत्र है, हमें केवल कुछ ही क्षेत्रों में गाँव की रचना नजर आती है। हिंदुस्तान में लगभग 137 नदियां हैं, उन नदियों के किनारे रहने वाला छोटा छोटा समाज है। हिंदुस्तान में समुद्र के किनारे बसे हुए 6,000 किलोमीटर का क्षेत्र है, उस 6,000 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला मछुआरा समाज है। पहली बार उस सब लोगों के लिए अगर मत्स्य की फंड की बात की गई है, अगर उन लोगों के लिए फंड की बात की गई है तो पहली बार इस बजट में बात की गई है। मैं इस सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि देश में एक बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक वर्ग रहता है। ये पशुपालक वर्ग देश के पशुधन का रखवाला है। हमारे देश में पशुधन को बढ़ाने के लिए और इन पशुपालकों के लिए अगर आज तक जो समस्या थी, हमने डेयरी में फंड बढ़ाया, और मैं अजमेर के क्षेत्र से आता हूँ और मुझे पता है कि पिछली बार जो नेशनल डेयरी बोर्ड का जो फंड बढ़ाया गया, हमने किस प्रकार से डेयरी को विकास करके देश के किसानों को मजबूत किया है। लेकिन डेयरी के साथ जो बाकी पशुपालक है, जो छोटा वर्ग है, इस देश में कम से कम 100-200 से ज्यादा छोटे छोटे समाज ऐसे होंगे जो उस वर्ग के लिए आते हैं, उन पशुपालक वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने पशुपालक धन के रूप में ये जो विषय किया है और एक फंड की व्यवस्था करी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में कांग्रेस के 70 साल के राज में केवल 43% जमीन ही कृषि से सिंचित हो पाई। आप लोग तो देश की 50% कृषि भूमि को भी सिंचाई के योग्य नहीं बना पाए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कितनी ऐसी अंतर राज्य नदी परियोजनाएं हैं
जो आपके 50 साल के राज में किसानों की योजनाएं पूरी होना तो दूर, शुरू तक भी नहीं हुई थी, चाहे केन बेतवा हो चाहे कैसी योजना हो। ऐसी 99 योजनाओं को सरकार ने शुरू किया है, लेकिन उन योजनाओं को शुरू करने के साथ साथ हमारे देश में जो कृषि सिंचाई की योजना है, जो सूक्ष्म सिंचाई की योजना है, उन योजनाओं को पूरा करने का काम भी इस सरकार के द्वारा किया गया है। चार विषय ऐसे हैं जिन विषयों पे जितना ज्यादा वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है उतना काम नहीं हुआ है। इस सरकार में तीन विषय, रोजगार का विषय, शिक्षा का विषय और स्किल फाउंडेशन का विषय, ये तीन विषय ऐसे हैं जिसके संबंध में इस बार बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक दूरदृष्टि का दृष्टिकोण अपनाते हुए काफी अच्छे स्थिति में जो फंड का एलोकेशन किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनका ये बजट आने वाले समय की एक बुनियाद बनेगा और निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में और स्किल एजुकेशन के क्षेत्र में काफी अच्छी संख्या में जो बजट का एलोकेशन किया गया है वो बधाई के पात्र हैं। सबसे पहली बात ये कहा जाती थी कि कम से कम वो उद्योग जिन उद्योगों के द्वारा इंसेंटिव मिल सकता हो उन उद्योगों के लिए सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए। सरकार ने टेक्सटाइल से लेके काफी सारे विषयों में और ईपीएफ के माध्यम से उद्योगों को इंसेंटिव देने का काम किया है और उसके साथ ही साथ स्किल का जो हमारा जो लेबर का विषय है उस स्किल के विषय में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि लेबर को लेकर के एक ज्योग्राफिकल मिसमैच की विषय हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। जिस ज्योग्राफिकल एरिया में लेबर की प्रॉब्लम है वहाँ पर लेबर उपलब्ध नहीं है, जहाँ लेबर जाना चाहते हैं वहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं है। इन दोनों मिसमैच को दूर करने के लिए एक लंबे समय से ये विषय चल रहा था कि हमें सभी जगहों का स्किल अपग्रेडेशन करना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट को अगर हम आगे बढ़ाना भी चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब वहाँ पर स्किल अपग्रेडेशन का विषय हो। सरकार ने पहली बार इस विषय को जमीनी स्तर के विषयों को पूरी तरीके से एड्रेस करने का काम किया है। स्किल अपग्रेडेशन को लेकर जिस प्रकार की योजनाएं इस बजट में रखी गई है वो निश्चित रूप से माननीय वित्त मंत्री जी की और इस सरकार की दूरदृष्टि का विषय है। और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ साथ रोजगार और स्किल की चुनौतियों को इस सरकार ने इस बजट में एड्रेस करने का काम किया है। देश के विकास की बात आप जरूर करते हैं लेकिन देश के विकास को लेकर कांग्रेस ने कभी कोई गंभीर काम नहीं किया है। तीन विषय जो है लैंड, लेबर और कैपिटल, इनका किस प्रकार से मैच हो सकता है इसको लेकर के इस सरकार ने काफी काम किया है। शिक्षा की जमीनी ने हकीकत का मूल्यांकन करने के लिए हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने ऐसा किया है कि 20 लाख बच्चों का सर्वे करके जिला अनुसार रणनीति बनाने का काम किया है। हमें जो प्राथमिक शिक्षा में काम करना है वो प्राथमिक शिक्षा में जिला अनुसार रणनीति बना करके काम किया है। अगर हल्ला बोलना चाहिए था तो देश की शिक्षा व्यवस्था पे बोलना चाहिए था जो आपके काम आज घर में पहुंच गए। अगर हल्ला बोलना चाहिए था तो एनपीए के उन लोन लेने वाले लोगों पे बोलना चाहिए था जिनके कारण हमको 2,11,000 करोड़ रुपया देश के बैंकों को देना दिया है। अगर हल्ला बोलना चाहिए था तो उनके ऊपर बोलना चाहिए था जिनके कर्मों के कारण 80,000 करोड़ रुपया हमें बैंक के रिकैपिटलाइजेशन को देना पड़ा है। देश के जो टैक्स पेयर की जो मनी है उस टैक्स पेयर की मनी को लूटने का अगर काम हुआ है तो यूपीए राज के अंतर्गत हुआ है। हल्ला अगर आपको बोलना था तो भ्रष्टाचार के ऊपर हल्ला बोलना था, आपकी दुर्दशा नहीं होती। हमने एक भ्रष्ट सरकार को हटाया है। हिंदुस्तान का अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार को हटाने का काम किसने किया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पीडी को यह अवसर मिला कि हमने हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार को हटाने का काम किया। और इसलिए महोदय मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सारी चुनौतियां रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की जो चुनौतियां रही है उसको एड्रेस करने का काम कभी किसी सरकार ने बहुत बड़े तरीके से नहीं किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के गरीबों ने लंबे समय तक कभी आंसू, कभी खुशी, कभी बेक्सी बेची। हम गरीबों ने चंद सांसों के लिए रोज थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी बेची। हम लोगों ने इस देश में जो जिस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था
तक आपने शासन चलाया। मैं झारखंड के बीच में, झारखंड में संताल के एरिया में रह के आया, मैं पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में रह के आया, मैं कोलान के क्षेत्र में रह के आया। आप आज जिस बात को कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। आपके राज में झारखंड के जंगलों में इलाज की तो बहुत दूर की बात है, डिस्प्रिन और एनासिन की गोली तक नहीं पहुंची। ये आप लोगों ने देश के स्वास्थ्य की स्थिति को बनाने का काम किया। आपके राज में जो सबसे बड़ी समस्या हुई, देश में फर्जी डॉक्टर खड़ा करने का अगर काम हुआ तो वो कांग्रेस के शासन काल में हुआ। हमने आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है, आप सीएससी पीएससी तक आज बिजली को देश में नहीं पहुंचा पाए, उसके कारण कितनी बड़ी समस्या हुई, जिसके कारण आपको शर्म आनी चाहिए। और देश में जो हमारा सबसे बड़ा जो एक समस्या हमारे देश में रही है कि जो हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में लो लेवल पब्लिक स्पेंडिंग, बहुत जो लो लेवल पब्लिक स्पेंडिंग जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रही, उसके कारण देश के गरीब आदमी को जो स्वास्थ्य मिलना था, उस गरीब आदमी को स्वास्थ्य नहीं मिला। आज हम देश के 10 करोड़ परिवारों को अगर हम इंश्योरेंस की सुविधा देने जा रहे हैं तो कमाल है। इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस के लोगों को हो रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस के लोगों को हो रही है। आपको ये पता नहीं है, आपके सामने कोई आंकड़ा नहीं है कि राष्ट्र, मतलब आप हमसे ये तो पूछे कि आप 10 करोड़ को देने जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। इस देश की, ये देश का इतिहास याद रखेगा कि जब इस देश में जीएसटी आया गरीबों के लिए तो उसका आइडियोलॉजिकल विरोध कांग्रेस ने किया। इस देश में आज जब गरीबों के स्वास्थ्य का विषय आया तो उसका आइडियोलॉजिकल विरोध कांग्रेस ने किया। इस देश में जब आधार के माध्यम से गरीबों को सब्सिडी पहुंचाने का विषय आया तो इसका आइडियोलॉजिकल विरोध कांग्रेस ने किया। और जब गरीबों के लिए नोटबंदी का विषय लेकर आए तो इसका आइडियोलॉजिकल विरोध कांग्रेस ने किया। और जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदुस्तान को तोड़ने के नारे लगाए जा रहे थे तो उसका समर्थन कांग्रेस ने किया। इसलिए देश आज आपकी आइडियोलॉजी को समझना चाहता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आइडियोलॉजी इस देश की कांग्रेस लेना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये कोई नई योजना नहीं है, ये योजना चल रही है। हम लोगों ने भी, हमारी सरकार ने भी, केंद्र की सरकार ने इस योजना को दिया है। आज टोटल 18 राज्यों के डाटा मेरे पास है, टोटल बीपीएल फैमिली 5,91,00,000 वहाँ पे रजिस्टर्ड है, 3,63,00,000 को उसका फायदा हो रहा है। अगर ये योजना छोटे स्तर पर 18 राज्यों के साथ मिलकर के चल सकती है तो फिर ये योजना पूरे देश के 10 करोड़ गरीबों के लिए क्यों नहीं चल सकती है। इसका विरोध केवल कांग्रेस कर रही है, लेकिन आप विरोध करते रहे, हमको आपके विरोध की परवाह नहीं है। हमारा ये विषय है कि हम देश के गरीब को एक लाभ पहुंचाना चाहते हैं और अब देश के गरीब को हम वो लाभ पहुंचाएंगे। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के इस जो योजना ये सरकार लेकर के आई है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में जो नमो केयर लेकर के आए हैं, ये हिंदुस्तान की केयर करने वाली योजना है। पर इस योजना को मिशन मोड में ये सरकार पूरा करेगी। आज इस देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, रोजगार, स्किल के साथ साथ एक और क्षेत्र है जिसमें हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा है, और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र, आधारभूत ढांचे का क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान का जो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है, उस अर्बनाइजेशन के विषय को लेकर के इस सरकार ने अपने इस बजट भाषण में एड्रेस किया है। रोजगार सृजन के विषय में सरकार ने जहाँ पर इंसेंटिव दिए हैं वहीं पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम प्रतिनिधियों को 250 करोड़ के टर्नओवर पे कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो 5% घटाया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश का जो एक छोटा व्यापारी है जो आज आगे बढ़ने लगा है, इस देश का जो मैन्युफैक्चरर है, इस देश में जो एक लंबे समय में विनिर्माण से काम करने वाला जो लोग हैं, 90% इस देश की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएगी, क्या 5% उनको रिबेट देकर के हम लोगों ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया है। कम से कम वहाँ पर लेबर लगेगा, कम से कम वहाँ पर स्किल लगेगा। अगर वहाँ पर लेबर और स्किल के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तो इसका विरोध आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को कम से कम बजट के दस्तावेजों का ठीक ढंग से अध्ययन करना चाहिए।
महोदय जो शहरीकरण है उसको एड्रेस करने का हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सरकार आने के बाद देश के शहरीकरण में स्मार्ट सिटी की योजना को, देश के शहरीकरण में अमृत योजना को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। शहरीकरण की समस्या में हम सबको पता है कि देश में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी की तीन विषय जो है वो सबसे ज्यादा है। पहला, जितने भी देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो डोमिनेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी उधर सबसे ज्यादा है। इसके कारण आज वो स्टैग्नेशन के एक स्तर पे आ गए हैं और उसके कारण है कि वहां पर सब अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। ये जो सब अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन लाने का काम हमारी सरकार ने इसीलिए किया कि कम से कम जो रू अर्बन क्षेत्र है को इसके द्वारा मदद मिले। अमृत योजना लाने का काम इस सरकार ने इसीलिए किया कि कम से कम जो देश के जो 100 छोटे शहर है उन 100 छोटे शहरों में उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। और इसलिए स्मार्ट सिटी के माध्यम के लिए और अमृत योजना के लिए इस बजट में भी जिस प्रकार से साधनों को बढ़ाकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरा ये मानना है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम को उठाने का काम किया है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की बहुत बड़ी जो वैचारिक ताकत है वो इस देश का मध्यम वर्ग है। इस मध्यम वर्ग को एक प्रकार की ताकत देने का काम ये जो शहरी नौकरी पेशा वर्ग है, जो छोटा प्रोफेशनल वर्ग है, उसके विचार और वो ईमानदार करदाता के रूप में है। हम ये जानते हैं कि उस ईमानदार करदाता को एक ताकत देने का काम करना चाहिए और इसके लिए उस मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग के लिए 40,000 रुपए का एक टैक्स में इस बार सरकार ने रिबेट देने का काम किया है। और सरकार ने इतना ही नहीं ना केवल किया है, ये जो प्रोफेशनल आदमी और जो ये जो नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं, इस नौकरी पेशा ईमानदार करदाता में जो पेंशन भोगी है उसकी भी चिंता करके उसको रियायत देने का काम ये सरकार के द्वारा किया गया है। हमारे देश में जो मध्यम वर्ग है उस मध्यम वर्ग का कोई एक प्रकार का चरित्र नहीं कह सकते हैं। ये देश बहुत बड़ा है, ये देश बहुत बड़ी भौगोलिक विशेषताओं को लिया हुआ है। इसलिए मध्यम वर्ग यहाँ आय से भी है, मध्यम वर्ग की कल्पना या शिक्षा के माध्यम से भी है, मध्यम वर्ग की कल्पना या व्यवसाय के माध्यम से भी है, मध्यम वर्ग की कल्पना इस माध्यम से भी है कि वो किस सोसाइटी में रहता है, मध्यम वर्ग की कल्पना इस माध्यम से भी है कि वो किस प्रकार की जीवन शैली को जीता है। लेकिन इस सारे मध्यम वर्ग को हम जब भी आगे बढ़ा सकते हैं जब आधारभूत ढांचा सबको हम सही देंगे। इस मध्यम वर्ग को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब शिक्षा क्षेत्र में जो मौलिक सुधार चाहिए उन सुधारों को लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। इस मध्यम वर्ग को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब जिस प्रकार में देश का नया इनोवेटिव आइडियाज चाहिए उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा साधनों का प्रयोग कर सके। इस मध्यम वर्ग को हम जब भी बढ़ा सकते हैं जब जिस स्थिति में वो काम कर रहे हैं उनका स्किल अपग्रेडेशन करने के काम को हम आगे बढ़ाए। इस मध्यम वर्ग को हम आगे जब भी बढ़ा सकते हैं जब शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता हो वो सुविधाओं की आवश्यकता इस प्रकार से दिया जाए। इस मध्यम वर्ग को हम जब भी बढ़ा सकते हैं जब हायर एजुकेशन में जितने आवश्यक सुधार चाहिए उन सुधारों को बढ़ाने का काम किया जाए। इस मध्यम वर्ग को हम तभी ताकत दे सकते हैं जब लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो नीति सरकार के द्वारा बनाई है उन नीतियों को लेकर के आगे बढ़ाया जाए। और हमारी सरकार ने इन सारे विषयों को आगे बढ़ाने का काम इस बजट के माध्यम से किया है। और मैंने पूर्व में कहा है कि जो ये बजट है ये केवल एक साल का नहीं, 4 साल के बजट में अगर आप देखेंगे तो एक कंसिस्टेंसी के साथ सरकार ने सारे विषयों को आगे बढ़ाया है। आपकी तरह कम से कम ऐसा नहीं किया था कि 2003 से 2008 तक फिजिकल डेफिसिट को लेते रहे, जब 2008 और 2009 में चुनाव लड़ने का वक्त आया तो आप फिजिकल डेफिसिट को 6% आपने देश में रेवड़ियां बांट करके सरकार चलाने का काम किया। लेकिन देश की जनता ने तब भी आपको स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो आपके झूठ के फुलंदे थे जिसको इस देश की जनता ने नकारा था। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे अंत में, और मुझे इस बात का बहुत फख्र भी है कि हम लोग जिस पार्टी के लिए काम करते हैं, जिस राजनीतिक विचार के लिए हम काम करते हैं वो पंडित दीनदयाल जी की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर के हम काम करते हैं। हम लोग एक राष्ट्रवाद के दर्शन के आधार पर काम करते हैं। 1952 से लेकर आज तक अगर किसी पार्टी ने अपने राजनीतिक विचारों के साथ समझौता नहीं किया है, किसी पार्टी ने अगर सब लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है,
किसी पार्टी ने अगर राजनीतिक छुआछूत का काम नहीं किया है तो मुझे बड़े गर्व के साथ कहना होता है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने देश में बिना राजनीतिक छुआछूत के राजनीति की है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जब से गवर्नेंस की राजनीति आई है, जब से सुशासन राजनीति का आधार बना है, वह तभी से बना है जब भारतीय जनता पार्टी 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमने 5 साल की सरकार दी। राज्यों में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार 15 साल तक एक सफल शासन गुजरात में दिया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमने देश की राजनीति में गवर्नेंस को एक विषय बनाया और गवर्नेंस को विषय बना करके आज हिंदुस्तान में सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाया। और इसलिए महोदय मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी आज जिस भी प्रकार का देश का वातावरण बना है उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में पिछले 70 साल की राजनीति में जिनको अधिकार थे, जिनको अधिकार देने चाहिए थे उनको अधिकार नहीं दिए गए, जिन गरीबों को उनका हक देना चाहिए था उनको हक नहीं दिया गया, जिन गरीबों तक उनका उनका हक पहुंचना चाहिए था उस हक को देने का काम नहीं किया गया। और इसलिए उन गरीबों को हक देने का काम इस सरकार ने किया है। सबसे पहले मनरेगा का पैसा सीधा कैश ट्रांसफर करने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आज आप पूछते हैं जनरल, आज आपको लगता होगा कि ये आयुष्मान जो हम योजना लेकर के आए हैं ये इंश्योरेंस का पैसा गरीबों को कैसे जाएगा। मैं आपको तो कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्होंने 3 साल पहले सोच लिया होगा कि गरीब को पैसा अगर भेजना है तो पहले उसका अकाउंट खोलो। और इसलिए दूरदृष्टि का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। आपको तो 3 साल पहले पता भी नहीं था कि हम जनधन खाता क्यों खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम गरीब को ताकत देना चाहते थे, हम संसाधन गरीब तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि हमारी पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा पे काम करती है, एकात्म मानववाद के विषय को लेकर के काम करती है। और इसलिए महोदय मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो सबसे बड़ा विषय है वो सबसे बड़ा विषय हमारा अंत्योदय का नारा है। अंत्योदय के नारे को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने देश में न केवल एक अच्छा शासन देने का काम किया है बल्कि हम लोगों ने सरकार और सुव्यवस्था को चलाने का काम किया है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कार्य किया है, जिस प्रकार से सरकार दी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार का लक्ष्य क्या है। इस सरकार का लक्ष्य है जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम के दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे जीवन में फिर से उत्साह जगाएंगे। और इसलिए है शौक यही और मान यही, हम देश के जीवन में बदलाव लाएंगे और इस देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त, इस देश में एक पारदर्शी शासन, इस देश में गरीबों के हित में शासन, इस देश में युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार के रूप में एक शासन प्रणाली को आगे लेना चाहते हैं। और इसलिए आज ये सरकार जो किसानों की सरकार है, ये सरकार जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चेहरे को बदलने का एक संकल्प लेकर के आई है, उस संकल्प को रोकने का काम वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने 50 साल में अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया है। हम उस उत्तरदायित्व को पूरी संजीदगी के साथ निभाना चाहते हैं। और इसलिए इस देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है, वो आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि इस देश में लगातार एक वृद्धि के पथ पर हम बढ़े हैं। और यही इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में अगर इस देश का जो इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा सुधरा है। ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस के क्षेत्र में इस देश ने सीधी एक साथ 30 पायदान की छलांग लगाकर हम ऊपर पहुंचे हैं। इस देश में जो सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व जो है वो इस सरकार के समय में खड़ा हुआ है। और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि काले धन की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण लगाने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। बल्कि आपकी सरकार के समय में जो ब्लैक मनी पे व्हाइट पेपर आप लाए थे, आप लोगों ने उसको लागू नहीं किया क्योंकि आपको ये डर था कि सिद्धांत बनाना अलग होता है, सिद्धांत पे जीवन लेकर दृढ़ता से निर्णय लेना और गरीबों के लिए निर्णय लेना ये सबसे बड़ा काम होता है। उस निर्णय को लेने का और आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और इसलिए पुनः इस बजट पे मैं सबसे पहले ये बधाई देना चाहूंगा कि ये बजट अपने आप में एक अभूतपूर्व बजट है और ये कोई पहला बजट नहीं है, लगातार इस सरकार का तीसरा और चौथा बजट है।
बजट के द्वारा देश की एक दिशा बनी है, लेकिन आज आर्थिक बजट पे चर्चा करने के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के आर्थिक बजट के साथ साथ सरकार का सामाजिक दर्शन भी महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए सरकार ने बजट में जब गरीबों के लिए चीजें लेके आई तो उसका विरोध कांग्रेस ने किया। आज मैं सदन पे ये पुनः कहना चाहता हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में भी जब हम ओबीसी के लिए बिल लेकर के आए तो उसका विरोध कांग्रेस ने किया, जब हम मुस्लिम महिलाओं के हक की बात लेकर के आए तो उसका विरोध कांग्रेस ने किया, जब हम ग्रामीण क्षेत्र को सुधारने की कोई बात लेकर के आए तो उसका विरोध कांग्रेस ने किया। और तो सबसे बड़ी बात है, हम जब कांग्रेस ने हालांकि विरोध में मत तो नहीं दिया, लेकिन बास जैसे विषय को जब हमने ग्रास में परिवर्तित किया तो उसका भी कहीं ना कहीं विरोधी स्वर कांग्रेस की तरफ से सुनाई दिया। मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के जो विकास की बात है, कम से कम विकास की बात में सबको आगे जाना चाहिए, और इस देश में ये देश इस बात का साक्षी है कि इस देश में अगर लोकतंत्र की आवाज को दबाने का भी काम किया है तो स्वर्णिम अक्षरों में वो काला इतिहास कांग्रेस के नाम पे ही लिखा हुआ है देश के, और इसलिए आप हिंदुस्तान में लोकतंत्र की आवाज को किसी प्रकार से दबा नहीं सकते। आप थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को कर सकते हैं, लेकिन आप हर समय के लिए सब लोगों को नहीं कर सकते। और मैं ये पुनः कहना चाहूंगा कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की नीति आज सबके सामने उजागर हुई है, और हमारी सरकार गरीबों के हित के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक विचार के अनुरूप, और सबसे बड़ी बात मैं अंत में कहना चाहूंगा कि इस देश के विकास का मंत्र महात्मा गांधी देकर के गए थे। महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं आप लोगों को एक ताबीज देता हूँ कि जब भी आप अपनी कोई योजना बनाओ तो अपने मन में सबसे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के चित्र का ध्यान करना, वो योजना बनाना। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो भी योजना हमारी सरकार की बनी है वो हमेशा देश के गरीब आदमी के चेहरे को देखकर ध्यान में रखी है। आप उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन देश के गरीब का आर्थिक सशक्तिकरण और देश के हर वर्ग का सामाजिक समायोजन करने के लिए जो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि देश की जनता का आशीर्वाद और विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर भूपेंद्र यादव।